सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। हम वाक्यों में जो पद होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं शब्द को जब वाक्यों में प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें पद कहा जाता है। तो विकारी पद और अविकारी पद दोनों तरह के होते हैं। उनमें से विकारी पद जो होता है एक होता है क्रिया। उस क्रिया के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं इस क्रिया को हमने रचना के आधार पर, कर्म के आधार पर, समाप्ति के आधार पर और कार्य व्यापार के आधार पर हम लोगों ने इसको भेद किए थे। अर्थात रचना के आधार पर मूल क्रिया, यौगिक क्रिया होते हैं। कर्म के आधार पर सकर्मक, द्विकर्मक और अकर्मक होते हैं। समाप्ति के आधार पर समापिका और असमापिका क्रिया होते हैं। कार्य व्यापार के आधार पर मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया होते हैं। उसी तरह हम लोग सहायक क्रिया को भी प्रकार भेद किए थे। आज बच्चों हम क्रिया के और दो भेद पढ़ेंगे, और दो प्रकार पढ़ेंगे। उसमें से पहला है, एक होता है संयुक्त क्रिया, दूसरा होता है प्रेरणार्थक क्रिया। तो बच्चों आइए पहले हम संयुक्त क्रिया का अध्ययन करते हैं। संयुक्त क्रिया किसे कहा जाता है? जैसे कि आप नाम से अर्थ समझ गए हैं, संयुक्त होना, संयोग होना। अर्थात जब एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग और क्रिया व्यापार की नई विशेषता का बोध होता है तो उन क्रियाओं को संयुक्त क्रिया कहा जाता है। तो आप समझने के लिए सिर्फ इतना समझ लिए, जहां पर एक से अधिक क्रिया का प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे रो उठना, तो रोना एक क्रिया है, उठना एक क्रिया है। इन दोनों के संयोग से एक क्रिया बना है तो इसको कहा गया संयुक्त क्रिया। चल पढ़ना, चलना और पढ़ना, इन दोनों को मिला के हमने एक ही क्रिया बना दिया तो ये हो गया आपका संयुक्त क्रिया। तो इनमें एक मुख्य क्रिया होता है और दूसरा क्या होता है बच्चों? सहायक करने वाला क्रिया होता है। जो सहायता करने वाली क्रिया होता है वे क्या होते हैं? वे उस मुख्य क्रिया के कुछ खास वैशिष्ट्य को हमारे सामने दर्शाती है। जैसे कि हम लोगों ने सहायक क्रिया में पढ़ चुके हैं, तो सहायक क्रिया मिलने के बाद मुख्य क्रिया के साथ वह क्रिया को हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे जो मूल मुख्य क्रिया होते हैं वो तो आप जानते हैं किससे बने होते हैं? धातु से बने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर रो उठना, रोना क्रिया रो धातु से, चल पढ़ना, चलना क्रिया चल धातु से। तो और बाकी जो आपके हैं उठना पढ़ना, ये सारे उन्होंने मुख्य क्रियाओं को विशिष्टता को, विशेषता को हमारे सामने सम्मुख रखते हैं, इसलिए उन्हें सहायक क्रिया भी कहा जाता है। और इनके मिल जाने के बाद, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया मिल जाने के बाद जो क्रिया बनता है उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। तो बच्चों आइए अभी हम प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ते हैं। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या होते हैं बच्चों? आप जानते हैं जो क्रिया होता है वो कार्य में, वो वाक्य में एक कार्य का बोध कराता है। तो उस कार्य को जो करता है वाक्य में वो होता है आपका कर्ता। तो कर्ता क्रिया को करता है। अगर कर्ता उस कार्य को करने के लिए किसी और को प्रेरणा देता है या बताता है या कहता है तो उस समय वो क्रिया क्या हो जाता है? प्रेरणार्थक क्रिया। तो कर्ता की प्रेरणा से होने वाली कार्य को हम क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। आप जानते हैं बच्चों कि कर्ता इस क्रिया को जिसके द्वारा कराता है या जिसको कहता है, प्रेरणा देता है करने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। तो उसके आधार पर हमने क्रिया को सकर्मक, अकर्मक और द्विकर्मक बांटा था। तो ये प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक से बन सकती है, अकर्मक क्रिया से, द्विकर्मक क्रिया से भी बन सकता है। तो जो कर्ता कार्य करना करने के लिए प्रेरणा देता है, कर्ता खुद कार्य करता है, कार्य न करके अगर वह करने के लिए प्रेरणा देता है तो हम उस कर्ता को क्या कहेंगे? प्रेरक कर्ता। अर्थात ये ना करके किसी को प्रेरणा दे रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? प्रेरक कर्ता। और जिसको यह प्रेरणा देता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेरित कर्ता। अगर हम एक उदाहरण लें तो आप समझ सकते हैं।
माँ ने दूध पिया। तो यहां पर ये देखिए बच्चों, ये क्रिया है, लेकिन माँ ने बच्चे को दूध पिलाया। देखिए वही पीना क्रिया यहां पर कैसे पिलाना बन गया, अर्थात कर्ता बच्चे को दूध पिला रही है, माँ बच्चे को प्रेरित कर रही है। ये पिलाना ये कार्य अभी कौन करे, कौन पी रहा है, बच्चा पी रहा है, तो माँ ने बच्चे के द्वारा यह कार्य करवाया। तो ये माँ कौन हो गई, प्रेरक कर्ता हो गई, और बच्चा क्या हो गया, प्रेरित कर्ता हो गया। दूसरे तरीके से देखिए, माँ ने आया से बच्चे को दूध पिलवाया। देखिए माँ यहां पर पहले प्रेरक करता है, फिर आया यहां पर प्रेरित करता है, फिर आया आपका प्रेरक करता बनके बच्चा प्रेरित करता बन गया। तो यहां पर ये भी आपका प्रेरणार्थक क्रिया है, लेकिन ये आपका प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है, ये आपका द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। आमे जदि ओडिया रे बुझिबा पिले माने, ताहले मु जतबेले निजे गोटे काम करूची से कार्यटा हला मुख्य क्रिया बा क्रिया, मु अन्य जनक द्वारा जदि करैली से कार्यटा कोन हेगला पिले माने, ना प्रेरणार्थक क्रिया हेगला। मु अन्य द्वारा करैली तेणु मु हेली प्रेरक कर्ता, अन्य जनक द्वारा करैली तेणु सीए हला प्रेरित कर्ता। बेले बेले आम मैंने कौन करे ना, गोटे कार्य जन को कहीकि आउ जन को द्वारा कराओ, जमी माँ पिला को आया द्वारा चाकराणी द्वारा क्षीर पियाला। तो ये कौन है, प्रथम टे माँ मुख्य क्रिया थिला, माँ निजे क्षीर पीला, ताले पीवाटा आपण क्रिया है गला, माँ पिला को क्षीर पियाला। तो पीवा क्रियाटा पियाइबा है गला, प्रेरणार्थ क्रिया है गला, आउ माँ है गला प्रेरक कर्ता, पिला है गला प्रेरित कर्ता। यठी माँ चाकराणी को प्रेरणा देला पिला को क्षीर पियाइबा पाई, तो माँ है गला प्रेरित कर्ता, चाकराणी है गला आपणकर प्रेरक, माँ है गला प्रेरक कर्ता, चाकराणी आपणकर हला प्रेरित कर्ता, चाकराणी पुणी पिला को काम करैबो, तनु चाकराणी पुणी है गला आपणकर प्रेरक कर्ता, आउ पिला है गला प्रेरित कर्ता। तेणु ए प्रकार वाक्य क्रियाटा को आमे कहिले प्रथम प्रेरणार्थ क्रिया, एवं एटिकु कहिले द्वितीय प्रेरणार्थ क्रिया। ताहले पिला माने प्रत्येक क्रियार दुई प्रकार प्रेरणार्थ क्रिया थाए, एक हो गया आपका प्रथम प्रेरणार्थ क्रिया, द्वितीय हो गया आपका द्वितीय प्रेरणार्थ क्रिया। तो प्रथम प्रेरणार्थ क्रिया रे कर्ता प्रत्यक्ष भाग मिलता है, अर्थात एठि देखो कर्ता सीधा सड़क भाग नेला जन को कौन करने प्रेरणा दबा पाए, किंतु द्वितीय प्रेरणार्थ क्रिया कौन हुए, कर्ता सीधा सड़क भाग निए नहीं, कर्ता कौन करे अन्य जन को प्रेरणा दे से कार्यटी को आउ जनक माध्यम रे संपादन कराई थाए। ताले आइए बच्चों देखते हैं एक क्रिया का कैसे प्रथम प्रेरणार्थ क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थ क्रिया बनता है। तो मूल धातु में आप जानते हैं क्रिया का किससे बनता है, मूल धातु से बनता है। तो मूल धातु में आपका आना जोड़कर हम यहां लिख लेते हैं प्रथम प्रेरणार्थ क्रिया, ये बन गया आपका द्वितीय प्रेरणार्थ क्रिया। तो मूल धातु में यह आपका मूल धातु हो गया, तो मूल धातु में हम क्या करते हैं, आना जोड़कर प्रथम प्रेरणार्थ क्रिया बनाते हैं, फिर वाना जोड़कर द्वितीय प्रेरणार्थ क्रिया बनाते हैं। जैसे उग हो गया आपका मूल धातु उगाना, द्वितीय प्रेरणार्थ हो गया उगवाना, दौड़ दौड़ाना दौड़वाना, सुन सुनाना सुनवाना, हंस हंसाना हंसवाना। वैसे मूल धातु में पहले मात्रा का परिवर्तन किया जाता है, फिर वाना और आना जोड़कर प्रेरणार्थ क्रिया बनाए जाते हैं। जैसे काट रे कटाना कटवाना, खेल से खिलाना खिलवाना,
धूम से घुमा धुमाना धुमवाना, फिर आपका घूम से घुमाना घुमवाना, छोड़ से छुड़ाना छुड़वाना, जाग से जगाना जगवाना, नाच से नचाना नचवाना। फिर स्वरांत धातु में पहले मात्रा को परिवर्तन करके फिर लाना जोड़कर प्रथम प्रेरणार्थक, फिर लवाना जोड़कर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनाए जाते हैं। आप इनको जब अभ्यास करोगे बच्चों तो ये आपको अपने आप आ जाएगा, आपको कोई नियम को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे खा मूल धातु में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आ स्वरांत धातु है, आ स्वरांत है, इसका अंत आ से हो रहा है, खा मतलब इसका अंत आ से हो रहा है, तो हम क्या जोड़ेंगे, लाना खिलाना, फिर क्या जोड़ेंगे, लवाना खिलवाना, छू छुलाना छुलवाना, दे दिलाना दिलवाना, पी पिलाना पिलवाना, रो रुलाना रुलवाना। वैसे बसों कुछ धातुओं के दो दो रूप भी बनते हैं, जैसे कह धातु का कहाना कहलाना, फिर कहवाना कहलवाना, बैठ धातु का बिठाना बिठवाना, बिठलाना बिठलवाना, सीख धातु का सिखाना सिखलाना, सिखवाना सिखलवाना। कुछ क्रियाओं के प्रथम प्रेरणार्थक रूप नहीं बनते, जैसे खेना खोना गाना ढोना पीटना भेजना लेना, इनके प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया नहीं बनते, क्योंकि इस कार्य को हमेशा यहाँ पर कर्ता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले पाता है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनते हैं। कुछ क्रियाओं के कोई भी प्रेरणार्थक रूप नहीं बन पाते, जैसे आना गवाना चाहना जांचना जानना जाना पाना मिलना सोचना और होना, इनके प्रेरणार्थक रूप नहीं बनते हैं। तो बच्चों आज आपने क्रिया के और दो रूप, एक संयुक्त रूप और दूसरा प्रेरणार्थक रूप आपने जाना। तो आप इन प्रेरणार्थक क्रियाओं को आपके वाक्यों में जो गद्य और पद्यों में जितने क्रिया है आप उन्हें आप पहले पहचानिए, फिर देखिए ये मुख्य क्रिया है या यौगिक क्रिया है, फिर देखिए ये सकर्मक है या अकर्मक है या द्विकर्मक है, फिर आप देखिए ये इनमें सहायक क्रिया कौन से हैं, फिर देखिए इनका प्रेरणार्थक क्रिया कैसे बनते हैं। तो अगर आप इनको अभ्यास करोगे तो आपको कोई नियम को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से ये सब कर पाओगे। तो बच्चों क्रिया के लिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।